हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में वॉशिंग मशीन की मोटर कैसे बांधते हैं उसके बारे में बताया गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये है स्टेटर, पहले कॉइल डाल दिए गाइस, दूसरी कॉइल हम इसमें डालेंगे। इसमें गेज नंबर है 29 और टर्न है आपकी 130, राउंड है 1-2 और पिच आपकी है 4-6। रनिंग की और स्टार्टिंग की पिच सेम रहेगी। और गाइस, वीडियो में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा कि मोटर कैसे बांधते हैं। गाइस, मोटर बांधते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, कॉइल फंसाते टाइम वायर ना छिले। दूसरा, पेपर जो स्लाइड में आप डाल रहे हो उसको प्रॉपर बिठाओ। गाइस, मोटर में पेपर और वायर प्रॉपर बैठी होनी चाहिए, नहीं तो गाइस अगर वायर छिलेगी तो वो हफ्ता 10 दिन बाद वो तार पटाखा पड़ के फूक जाएगी। गाइस, पेपर अगर आपका प्रॉपर नहीं बैठा हो तो मोटर कुछ समय के बाद शॉर्ट हो जाएगी। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा गाइस। मोटर में ये आपकी चौथी कॉइल फंस रही है रनिंग की, वैसे हम स्टार्टिंग की कॉइल भी फंसाएंगे। गाइस, वीडियो को आखिर तक देखना है। गाइस, ये भी चौथी कॉइल फंसने वाली है और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। गाइस, चारों कॉइलें फंस गई हैं। अब हम इसमें स्टार्टिंग फंसाएंगे वो सेम तरीके से। स्टार्टिंग में भी हमने गाइस सेम गेज तार गेज रखा है और टर्न भी सेम रखी है। उसमें क्या होगा गाइस, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन आप कोई सी बना सकते हो। कंडेंसर लगा के आप कोई भी तार में आप सप्लाई दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेज नंबर हमने ऊपर नीचे सेम रखा है 29 नंबर, दोबारा रिपीट करके फिर बता रहा हूँ गाइस, 29 नंबर गेज नंबर है और टर्न 130 है और राउंड है आपके 1-2 और पिच है आपकी 4-6। A1 डेटा है, मोटर में अधिकतर यही डेटा पड़ता है डालने को। तो गाइस आप और भी गेज डाल सकते हो पर जो जेन्युइन डेटा है वो यही है। आपके स्टार्टिंग का पहला साइड पड़ गया है, दूसरा भी डालने वाले हैं ऐसे गाइस, तीसरा साइड भी फंसाना होगा। अच्छे से इसको सेट करना है। दो कॉइलें सेट हो गई हैं। और गाइस, अब लास्ट कॉइल हम इसमें डालेंगे, उसका भी आपको सेम राउंड रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपको हम मोटर फिट करके लाइव चला के दिखाएंगे कि मोटर कैसे फिट करते हैं इसके बॉडी में और कैसे इसको फ्री करते हैं। सारा कुछ आपको लाइव फिट करके हम दिखाएंगे चला के और नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और चैनल में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।
गाइस रनिंग के चारों फंस चुके हैं साइड और स्टार्टिंग के भी। गाइस अब हम इसमें धागा मारते हैं दोनों साइड में। ये एक साइड का धागा हम सेट करते हैं, हथौड़े से इसको प्रॉपर बिठाना होगा और दूसरी साइड में इसके कनेक्शन तो साथ के साथ कर दिए हैं, इसकी बस लीडें निकालना है। गाइस धागा कंप्लीट होने वाला है इसका बैक सेट। अब हम इसको यहाँ पे हो ले आने के बाद प्रॉपर हथौड़े से बिठाएंगे। गाइस धागा यहाँ पे पूरा होने वाला है और अच्छे से इसको बिठा के और इसको बांध दिया जाएगा और जो फालतू का धागा उसको काट के कैंची से और अब इसके प्लास्टिक की हथौड़ी से पूरी कॉइलों को प्रॉपर बिठाना है, सेट करना है स्लॉट से के बाहर ना रहे। पूरी तरीके से इसको ऐसे ही बिठाना है हथौड़ी की चोट मार के। गाइस इधर का धागा कंप्लीट। अब दूसरी साइड हम पेपर लगा दिए, अब इसमें हम लीडें निकालेंगे। रनिंग और स्टार्टिंग एक जो वायर है इनको दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। एक साथ जोड़ने के बाद इसमें थोड़ा स्लिप डालेंगे। स्लिप डालने के बाद जो थर्मोस्टेट जिसको बोलते हैं वायर में, ये थर्मोस्टेट लगा, थर्मोस्टेट की वायर मेन में लगेगी जिसमें अपने रनिंग और स्टार्टिंग को जोड़ा है। उसमें जोड़ने के बाद अच्छे से जोड़ कसना है, क्लास से घुमा के इसमें डालनी है। स्टार्टिंग की वायर को ब्लैक के साथ जोड़ना होगा आपको, कटर से काट देना है और रनिंग की वायर और रेड एक साथ जोड़ देना है, कटर से काट देना है। फिर इनको डबल स्लिप चढ़ानी है हर जोड़ पे। डबल स्लिप गाइस इसलिए चढ़ाते हैं कि गर्म होकर जो जोड़ है ना और बॉडी के साथ या तार गर्म होने के कारण वायर के साथ ना टच हो जाए, इसलिए हम जोड़ पर डबल स्लिप चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्लिप नहीं चढ़ाओगे तो वाइंडिंग गर्म हीट होती है चलती है तो वो जोड़ उसके साथ सटेगा तो वहाँ पर पटाखा मार के फूक जाएगी, उससे क्या होगा गाइस आपके मोटर में कंप्लेंट आ जाएगी, इसलिए डबल स्लिप जोर से जोर चढ़ाएं। और अब हम आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे मोटर। तीनों लीडें आपस में बोल रही हैं, मोटर ठीक है। इसमें हम डबल स्लिप चढ़ा के तीन नंबर की फिर इस पे धागा मारते हैं। गाइस मॉडलर फिटिंग या गीजर या मोटर या आपका इलेक्ट्रिशियन का कोई भी एसी वॉशिंग मशीन फ्रिज किसी का भी आपको वीडियो सर्च मारना है तो हमारा यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो सब अवेलेबल मिलेगी। हाउस फिटिंग मॉडलर किचन के डिजाइन वो आपको सारे अवेलेबल हमारी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो जो जो डली है उसको आप देखो, देखने के बाद नॉलेज लो और अपना काम स्टार्ट करो। धागा आपके इधर से लगना हो गया स्टार्ट।
बाकी एंड में काट दिया जाएगा इसका धागा, प्रॉपर बिठाना है। धागा पूरा कंप्लीट होने वाला है गाइस, इसको भी एंड में ले आके धागे को प्रॉपर बिठा के बांध के काट देना है गाइस। दोनों साइड का धागा कंप्लीट हो गया है गाइस। अब इसको गाइस पूरा धागा कंप्लीट हो गया, इसको यहीं बांध देंगे। बांधने के बाद में इसको कैंची से फालतू का काट देंगे। अब प्रॉपर इसको हथौड़ी से बिठाएंगे। ये गाइस पूरी मोटर आपकी कंप्लीट हो गई है।